हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लॉन्ग क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, ठीक है। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे इम्पोर्टेंट, तो मैं आपसे हम और आप मिलकर उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो जैविक खेती का जो फर्स्ट यूनिट है, जैविक खेती की, इसका फर्स्ट यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो जैविक खेती, आप क्वेश्चन लिखिए, जैविक खेती क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है। इसमें जैविक खेती क्या है ये भी आएगा, ठीक है। जैविक खेती की परिभाषाएं भी आ जाएगी, ठीक है, और जैविक खेती का महत्व आ जाएगा, और जैविक खेती के सिद्धांत आ जाएगा, ठीक है, और जैविक खेती से होने वाले लाभ, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो जैविक खेती क्या होती है, आपके पास में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, जैविक खेती क्या है इसको विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है, या फिर जैविक खेती क्या है, इसके सिद्धांत क्या क्या होते हैं ये विस्तार पूर्वक बताइए, ठीक है, या फिर जैविक खेती क्या होती है इसके लाभ को विस्तार पूर्वक बताइए। तो अथवा में आपके पास में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है, ठीक है। तो जैविक खेती क्या है, कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों, ठीक है, संश्लेषित की जगह आप रासायनिक शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, आप इसकी जगह लिख सकते हैं कि जो रासायनिक जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो रासायनिक उर्वरकों एवं रासायनिक कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके ये संश्लेषित वर्ड याद ना रहे, ठीक है, तो आप इसकी जगह लिख लेना रासायनिक उर्वरकों, ठीक है। तो जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है, तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है, ठीक है। तो जैविक खेती में हम क्या प्रयोग करते हैं, फसल चक्र अपनाते हैं, ठीक है, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, हरी खाद का प्रयोग करते हैं। हरी खाद का प्रयोग करने से क्या होता है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, और कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं। तो ये जो कंपोस्ट खाद होती है ये गोबर आदि से बनती है, इस खाद का प्रयोग करने से भी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, ठीक है। तो सन 1990 के बाद से विश्व में जैविक उत्पादों का बाजार काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो 1990 के बाद से ही पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनिक फार्मिंग के उत्पादों का जो मार्केट में है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि लोग बाग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो सभी रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों का उनमें प्रयोग हुआ हुआ है, तो वो उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं है, जिससे कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ठीक है, रोज़ नई नई बीमारियाँ पता चलती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट रासायनिक उर्वरकों का ही पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम जैविक खेती करेंगे तो जैविक खेती से जो भी उत्पाद होगा तो वो ऑर्गेनिक ही रहेगा प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, क्योंकि हमारे प्राचीन परंपराओं के अनुसार हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में जो खेती होती थी
वो ऑर्गेनिक तरीके से ही होती थी, ठीक है, वो जैविक खेती ही होती थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि बढ़ती गई तो किसानों में भी ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक पैदावार लेने की होड़ लगी रही, ठीक है। तो इस वजह से ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा कृषि में। तो आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया है कि जैविक खेती क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं अभी हम। अभी हम देखेंगे जैविक खेती की परिभाषा, ठीक है। तो जैविक खेती की परिभाषा आप हेडिंग डाल कर लिखिएगा, ठीक है, बिल्कुल अंडरलाइन करके। तो ये भी छोटे छोटे टिप्स होते हैं एग्जामिनर से नंबर लेने के लिए, ठीक है। जो भी हेडिंग आप लिख रहे हैं उसको थोड़ा मोटा करके लिखिए और अंडरलाइन करके लिखिएगा, ठीक है। तो जैविक खेती की परिभाषा लिख लेते हैं, अभी हम देख लेते हैं। बिल्कुल इजी है, आपको याद हो जानी चाहिए मेरे साथ साथ में ही। तो जैविक खेती की परिभाषा है, ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन वे स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशियों वे खरपतवार नाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग न करते हुए जीवांश युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जीवांश युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण होता है, ऐसी खेती जैविक खेती कहलाती है, ठीक है। तो परिभाषा आपको क्लियर हो गई, एक बार और देख लेते हैं। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन वे स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों वे खरपतवार नाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग न करते हुए जीवांश युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण होता है, ऐसी खेती जैविक खेती कहलाती है, ठीक है। ठीक है, तो परिभाषा हो गई। अभी हम देखेंगे कि जैविक खेती की शुरुआत क्यों हुई और हमें जैविक खेती के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान क्यों देना चाहिए, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान क्यों दे रही है जैविक खेती की ओर। तो संपूर्ण विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या है, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन आपूर्ति के लिए मानव द्वारा खाद्यान्न उत्पादन की होड़ में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तरह तरह की रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों का उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, इकोलॉजी सिस्टम को प्रकृति के जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान के चक्र को प्रभावित करता है, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति खराब हो जाती है, साथ ही वातावरण प्रदूषित होता है तथा मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। प्राचीन काल में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल तथा प्रकृति वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी, जिससे जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान का चक्र, पारिस्थितिकी तंत्र निरंतर चलता रहता था, जिसके फलस्वरूप जल, भूमि, वायु तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता था। और भारतवर्ष में प्राचीन काल से कृषि के साथ साथ गोपालन किया जाता था, जिसके प्रमाण हमारे ग्रंथों में प्रभु कृष्ण और बलराम हैं, जिन्हें हम गोपाल एवं हलधर के नाम से संबोधित करते हैं। अर्थात कृषि एवं गोपालन संयुक्त रूप से अत्यधिक लाभदायी था, जो कि प्राणी मात्र
वे वातावरण के लिए अत्यंत उपयोगी था, परंतु बदलते परिवेश में गोपालन धीरे धीरे कम हो गया तथा कृषि में तरह तरह की रासायनिक खादों कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, जिसके फलस्वरूप जैविक और अजैविक पदार्थों के चक्र का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और वातावरण प्रदूषित होकर मानव जाति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, अब हम रासायनिक खादों जहरीले कीटनाशकों के उपयोग के स्थान पर जैविक खादों एवं दवाइयों का उपयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भूमि जल एवं वातावरण शुद्ध रहेगा और मनुष्य एवं प्रत्येक जीवधारी स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पूरे विश्व में जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है। ठीक है, हमारे भारत में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या वृद्धि में। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि उनके खाद्यान्न आपूर्ति के लिए भी जो खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, तो उनका अधिक से अधिक उत्पादन करने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही भारत में हरित क्रांति आई और नए नए रसायनों का प्रयोग होने लगा खेती के अंदर, तो उससे क्या हुआ कि प्रोडक्ट तो ज़्यादा आ रहा था, मतलब खाद्यान्न उत्पादन तो बढ़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी तो क्वालिटी उसकी कम होती जा रही थी। ठीक है, तो अभी अगर हम जैविक खेती करेंगे तो उससे क्या होगा कि भूमि जल वातावरण भी शुद्ध रहेगा। ठीक है, मनुष्य और प्रत्येक जीवधारी भी सुरक्षित रहेगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि चारा होता है, चारे में भी रसायनों का प्रयोग करते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, तो उसको जो पशु पक्षी होते हैं, जैसे कि पशु हो गए, उनको चारा हम खिला रहे हैं, ठीक है, तो उनके दूध का सेवन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है मनुष्य के स्वास्थ्य को भी और जीवधारी के स्वास्थ्य को भी। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रही है जैविक खेती करने पर। ठीक है, सिक्किम देश का ऐसा राज्य है जहाँ पर पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग ही की जाती है, जैविक खेती ही की जाती है। आगे देखते हैं अभी हम, तो भारतवर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और कृषकों की मुख्य आय का साधन खेती है। हरित क्रांति के समय से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए एवं आय की दृष्टि से उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। ठीक है, अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे सीमांत वे छोटे कृषक के पास जोत में अत्यधिक लागत लग रही है। जल, भूमि, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है और साथ ही साथ खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की उपरोक्त सभी समस्याओं से निपटने के लिए गत वर्षों से निरंतर टिकाऊ खेती के सिद्धांत पर खेती करने की सिफारिश की गई है, जिसे प्रदेश के कृषि विभाग ने इस विशेष प्रकार की खेती को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया है, जिसे हम जैविक खेती का प्रचार प्रसार गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, अगर आज आप ये पढ़ रहे हो ना जैविक खेती, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी गवर्नमेंट का मोटिव यही है कि आप जैविक खेती के बेनिफिट्स को जानो
और एज ए प्रोफेशन आप अगर लाइक आपके पेरेंट्स किसान हैं, ठीक है, तो आप उन्हें बताओ कि रासायनिक खादों की जगह अगर वो जैविक खेती करेंगे तो उससे उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा, साथ ही साथ जो खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, वो भी हेल्दी होंगे। और मार्केट में ना आज की डेट में ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो उनका उनकी डिमांड भी ज़्यादा हो रही है और उनके लिए पे भी ज़्यादा कर रहे हैं लोग बाग, ठीक है। तो ये इसीलिए आप ये कोर्स पढ़ रहे हो, ये सिलेबस पढ़ रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहती है जैविक खेती को, ठीक है, जिससे कि आपको पता चले कि जैविक खेती एक्चुअल में है क्या, ठीक है, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। और एज ए प्रोफेशन आप भी अगर इन फ्यूचर फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप भी खेती करें, पर जैविक तरीके से खेती करें, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। जैविक खेती से होने वाले लाभ, तो जैविक खेती से जो लाभ होते हैं ये कई दृष्टि से हैं, ठीक है, कृषकों की दृष्टि से अलग हैं, मिट्टी की दृष्टि से अलग हैं, किसान की दृष्टि से अलग हैं। तो एक बार सभी लाभ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। कृषकों की दृष्टि से लाभ, ठीक है, इससे क्या होता है कि भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो देसी खाद यूज़ होती है, जैविक खेती में वो खाद अपने यहाँ पर भी बना सकते हैं, तो इससे जो रासायनिक खाद पर उनकी निर्भरता है, ठीक है, वो कम होने से उनकी जो लागत होती है रासायनिक खाद जो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, तो उससे उन्हें कहीं ना कहीं बचत होती है, ठीक है। फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है और बाज़ार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी, तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर किसानों को बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी की दृष्टि से लाभ। जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। एंड थर्ड पॉइंट है भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण की दृष्टि से लाभ, ठीक है, इससे ये भी पॉइंट्स में लिखेंगे। भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है, ठीक है, मिट्टी खाद्य पदार्थ और ज़मीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट है कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में कमी आती है, ठीक है, क्योंकि कचरा इधर उधर नहीं पड़ा होगा तो वो वातावरण को दूषित नहीं करना, तो इससे पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली कई बीमारियों से बचाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि। और लास्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता का उतरना, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। जैविक खेती के सिद्धांत मैंने आपको नहीं कराए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम जैविक खेती के सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लर्न कर लेना, और कोई भी क्वेरी होती है अभी भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन रटना ना पड़े, आप इसे समझकर अपनी लैंग्वेज में लिख दें, ठीक है। तो
अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना ही। कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में।